हेलो दोस्तों, पैरामेडिकल स्टडी में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एक्सरे की पोजिशनिंग के बारे में। तो पोजिशनिंग कैसे करते हैं, जैसे ये है एक्सरे चेस्ट पीओवी। एक्सरे चेस्ट पीओवी में हम पेशेंट को सीधा खड़ा करते हैं, जैसे ये इमेज में दिखाया गया है। और ये कैसेट है, कैसेट शोल्डर से 2 इंच ऊपर तक स्टैंड में लगा देते हैं। उसके बाद फिर पेशेंट को इस पोजीशन में खड़ा कर देते हैं। और ये सेंटरिंग है, जो प्लस का निशान बना है, यहाँ पे फोकसिंग की जाती है। जैसे ये ट्यूब है, यहाँ से फोकस मारेंगे और ये यहाँ पे ऐसे लाइन बना जाता है। और फैक्टर के लिए हम अलग से वीडियो बनाए हैं, आप लोग फैक्टर उसमें देख लेंगे, कितना फैक्टर देते हैं और कैसे प्रोसेस करते हैं, उसका भी वीडियो हम बना दिए हैं। डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट में जाके आप एक्सरे प्रोसेसिंग में जाएंगे तो वहाँ आप लोगों को सब वीडियो मिल जाएगा। तो ये चेस्ट पीए की पोजिशनिंग है, ऐसे ये चेस्ट एक्सरे में ये दिखना चाहिए। ये ऊपर का ये अपेक्स है, ये पूरा आना चाहिए। ये डायाफ्राम है, डायाफ्राम पूरा आना चाहिए। ये भी डायाफ्राम है, ये सीपी एंगल इसको बोलते हैं। तो एक्सरे चेस्ट पीए एंड नेक्स्ट है, ये है चेस्ट लैटरल व्यू। चेस्ट लैटरल व्यू में ऐसे किया जाता है। पेशेंट को हम लेटरल में खड़ा करा के हाथ ऊपर कर देते हैं, दोनों हाथ ऊपर करा देते हैं ऐसे। ये देखिए, जैसे इस इमेज में दिख रहा है। और फिर हम यहाँ पे ये फोकसिंग करते हैं, ये इसमें प्लस का निशान बना है। फिर ये एक्सरे चेस्ट लेटरल व्यू। और नेक्स्ट पोजिशनिंग है ये चेस्ट का एपी व्यू है। चेस्ट का एपी व्यू जैसे एक्सीडेंटल हो, बोन्स को देखने के लिए, या फ्रैक्चर हो, तब करते हैं हम। तो पेशेंट को ऐसे स्टूल पे बिठा देते हैं, या तो खड़ा करा देते हैं सीधा, या तो हम टेबल पे लिटा के भी चेस्ट एपी कर लेते हैं। तो इसमें भी वही शोल्डर से 2 इंच कैसेट ऊपर लगाते हैं। यहाँ से ये दिख रही है कैसेट हमारी, ये कैसेट दिख रही है, यहाँ पे है, इधर भी दिख रही है। और ये देखिए, ऐसे ऐसे फोकसिंग करते हैं। ये यहाँ पे फोक सेंटरिंग रहेगी, ये प्लस का निशान बना है। फिर ऐसे ये चेस्ट एपी है। नेक्स्ट पोजिशनिंग है ये एक्सरे चेस्ट एपी पोजिशनिंग, लेफ्ट टेबल पे कैसे करते हैं ये इसमें दिखाया गया है। ये टेबल में हम यहाँ पे कैसेट लगा देते हैं, यहाँ से उसी शोल्डर के 1-2 इंच ऊपर से, और यहाँ तक ये कैसेट दिख रही है कहाँ लगाया गया है टेबल में। और ये फोकसिंग करते हैं ऐसे, और ये सेंटरिंग दिया गया है, यहाँ पे सेंटरिंग मारेंगे। फैक्टर के लिए हम अलग से वीडियो बनाए हैं, आप उसको देख लीजिएगा। 100 mm मशीन का भी और 300 से 500 mm की मशीन का भी फैक्टर का हम 2 वीडियो अलग से डाले हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ये चेस्ट एपी है टेबल पे। चेस्ट एपी सुपाइन, ये छाती का अग्रपथ, चेस्ट एपी सुपाइन। नेक्स्ट है ये चेस्ट एपिकल एपी, ऐसे पेशेंट को बैठा देते हैं। इसमें चेस्ट का अपेक्स देखने के लिए किया जाता है, तो एपिकल होता है। जैसे राइट करना है तो राइट पे फोकसिंग मारेंगे, लेफ्ट करना है तो लेफ्ट पे फोकसिंग मारेंगे, और ऐसे करते हैं इसको थोड़ा सा। और ये पेशेंट को ऐसे बिठा के पीछे की तरफ झुका दिया जाता है और सीधा फोकस मारा जाता है। तो जो ये
अपेक्स अच्छे से दिखता है चेस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट पोजिशनिंग है नेक्स्ट है चेस्ट लैटरल डेकोविटस। ये देखिए ये चेस्ट लैटरल डेकोविटस है। इसमें पेशेंट को ऐसे लिटा देते हैं, ये पीए है जो ये पी है। यहाँ पे देखिए जैसे जिस तरफ चेस्ट का करना होता है ये नीचे यहाँ पे फोक्सिंग किए हैं, ये देखिए। और ये कैसेट लगी है, इसमें फ्लूड को देखने के लिए किया जाता है। जैसे फ्लूरल इफ्यूजन अगर रहता है तो कितना फ्लूड है उसको देखने के लिए किया जाता है। ये ऐसे आता है, ये एपी है, ये पीए है। एंड चेस्ट ऑब्लिक, चेस्ट ऑब्लिक की पोजिशनिंग कैसे करते हैं ये देखिए। जैसे चेस्ट ऑब्लिक करना है हमें पेशेंट को ऐसे, थोड़ा ये कैसेट है या कैसेट से 45 डिग्री का कोण बना रहा है ऐसे, ये देखिए इसमें भी। और इसमें फोकसिंग ऐसे फोकस मारेंगे ये यहीं पे, ठीक है। और ये ऐसे ऑब्लिक आ जाएगा, ये चेस्ट ऑब्लिक है। नेक्स्ट पोजिशनिंग है ये है रिब्स ऑब्लिक। ये रिब्स ऑब्लिक है, पेशेंट को ऐसे लिटा देते हैं, हाथ को ऐसे करके घुमा देते हैं, ये देखिए ये रिब्स का ऑब्लिक है। नेक्स्ट है ये बच्चे का चेस्ट कैसे करते हैं एपी व्यू। ये देखिए बच्चे को स्टूल पे ऐसे खड़े कर देते हैं, इसे पीछे से पकड़ लेते हैं। अगर इसको बच्चे को लटा कर भी हम कर सकते हैं ये पी व्यू। ये देखिए यहाँ से फोकस मानेंगे, ये यहाँ पे सेंटरिंग दिया गया है तो बच्चे का एक्सरे ऐसे आता है। नेक्स्ट है ये हीटा के, ऐसे लिटा के पकड़ा दिया जाता है ताकि बच्चा हाथ पैर हिलाए ना। और ये देखिए इसे ऊपर से फोकस मारते हैं, ये सेंटरिंग है और ये कैसेट है, 6, 8 या 8-10 की कैसेट जो भी हो छोटी कैसेट ऐसे लगा देते हैं। और ये फोकसिंग यहीं पे करते हैं। और फैक्टर के लिए हम बताए हैं अलग से वीडियो, आप उसको जाकर देख सकते हैं। ये चेस्ट एपी हो गया टेबल पे। नेक्स्ट तो इसमें सारे चेस्ट के एक्सरे बता दिए हमने, अब नेक्स्ट है एब्डोमेन। एब्डोमेन का एक्सरे कैसे किया जाता है, ये है एब्डोमेन एपी। ये पेशेंट को टेबल पे लिटा दिया जाता है सीधा सुपाइन पोजीशन में। और ये यहाँ पे ये देखिए ये नाभि है, नाभि के ऊपर सेंटरिंग करते हैं और कैसेट को यहाँ से लगाते हैं जीपी स्टर्नम से। ये जीपी स्टर्नम है, यहाँ से कैसेट लगाएंगे यहाँ से और नीचे जितना हो सके चला जाए। और ये ऐसे एब्डोमेन सुपाइन आता है। ये एब्डोमेन में हमें ये डायफ्राम दिखना चाहिए दोनों तरफ का, और नीचे का ये यहाँ तक एब्डोमेन होता है, तो ये एब्डोमेन सुपाइन है। नेक्स्ट पोजिशनिंग है एब्डोमेन इरेक्ट। एब्डोमेन इरेक्ट ये है एब्डोमेन इरेक्ट, ऐसे पेशेंट को खड़ा कर देते हैं सीधा और ये कैसेट यहाँ से लगाते हैं। जो ये चेस्ट जिफिस्टर्नम होता है उसके शोल्डर से 2 इंच नीचे, यहाँ
शोल्डर से दोनों इंच नीचे जो इस पीछे स्कैपुला होता है, स्कैपुला जो भी होता है उसी के लेवल से कैसेट लगाते हैं और नीचे इलियक क्रेस्ट के नीचे तक। और ये एब्डोमेन इरेक्ट, एब्डोमेन इरेक्ट में दोनों डायाफ्राम दिखना चाहिए। ये गैस है, ये गैस दिख रही है हमें, तो ये एब्डोमेन इरेक्ट हो गया। नेक्स्ट है ये एब्डोमेन लेटरल डेकोबिटस है, ऐसे पेशेंट को लिटा देंगे और ये एपी है, इधर एपी हो रहा है, इधर पीए हो रहा है, ये एब्डोमेन डेकोबिटस है। नेक्स्ट है ये पीडियाट्रिक एब्डोमेन है, बच्चे का एब्डोमेन कैसे करते हैं, ये बच्चे को ऐसे खड़े करके ऐसे पूरा एब्डोमेन आ जाता है। ये डायाफ्राम दिख रहा है, ये गैस दिख रहा है बच्चे में, परफोरेशन। सेंटरिंग ये दिख रही है, यहाँ पे नाभि के पास सेंटरिंग करते हैं। और फैक्टर तो हम बताए हैं अलग से वीडियो में, फैक्टर बताने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। और ये है एब्डोमेन, एब्डोमेन सुपाइन भी है, ये यहाँ पे सेंटरिंग मारते हैं। ये इसमें ये एब्डोमेन थोड़ा सा पेल्विस रीजन तक, यूरिनरी ब्लैडर तक लिया गया है इसमें। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है पेल्विस, ये पेल्विस, पेल्विस कैसे करते हैं, ये है पेल्विस, सीधा लिटा देते हैं। और ये इनर पेल्विस है, थोड़ा सा इसमें ऑब्लिक करके इधर से फोकस मारा गया है, ये यहाँ पे सेंटिंग कर दिया गया है, पेल्विस का हो गया। नेक्स्ट है ये एब्डोमेन, ये आईबीपी का एक्सरे दिखाया गया है इसमें, ये फिल्म वन है कन, एंड ये है फिल्म वन प्लेन है, ये आईबीपी का है, ये फिल्म वन प्लेन है ये, एंड ये दूसरी फिल्म है ये। कंट्रास्ट देने के बाद ये देखिए इसमें कंट्रास्ट दिख रहा है किडनी में हमें, और ये तीसरी फिल्म है 15 मिनट वाली, ये कंट्रास्ट पूरा आ गया है किडनी में भी, यूरेटर में, एंड ये ब्लैडर तक कंट्रास्ट पहुंच गया है। आईबीपी में ही एब्डोमेन का ये पीए है, पूर्ण एब्डोमेन आईबीपी में, जैसे इसमें यूरेटर में कंट्रास्ट नहीं आता कभी कभी, तो हम ये पूर्ण करके तब करते हैं तो अच्छे से कंट्रास्ट आ जाता है। ये है पेल्विस का, ये आईबीपी के सारे एक्सरे हैं। नेक्स्ट है ये हेड, ये स्कल पीए है, हेड का पीए व्यू, हेड के पीए व्यू में ये है। जो ये कान से सीधा, नाक से ये सीधी लाइन बननी चाहिए, ऐसे टेबल पे लिटा देते हैं उल्टा, और ये हेड का पीए। और ये है हेड का एपी व्यू, ऐसे एपी व्यू होता है। नेक्स्ट है
इसका लेपी है फोर हेड एपी, फोर हेड एपी है ये, एंड ये इसका लेटरल है। ऐसे लेटरल किया जाता है या तो ये यहाँ पे इसकी सेंटरिंग की जाती है, ये इसका लेटरल है, इसका लेटरल व्यू आ गया। नेक्स्ट है यह है पीएनएस, पैरानेजल साइनस। पीएनएस कैसे करते हैं ये इसमें दिया है, इसको पेशेंट को चाहे टेबल पे करें या सीधा खड़ा करा के ठुड्डी कैसेट में लगा देते हैं और मुंह ऊपर करके ये ये जो कान मिडल लाइन होती है कान की, ये मुंह से सीधा ये 45 डिग्री का कोण बनाते हुए ऐसे पोजिशनिंग करते हैं और इसकी फोक्सिंग ऑक्सीपिटल बोन पे करते हैं। फोक्सिंग इसकी यहाँ पे करते हैं, ये ऑक्सीपिटल बोन होती है उस पर फोक्सिंग करते हैं। ये पीएनएस है, पीएनएस का एक्सरे ऐसे होता है। नेक्स्ट है ये नेक्स्ट है स्कल पीए व्यू, स्कल नहीं है ये, ये है फेस पीए, ये फेस पीए व्यू, ये फेस का पीए व्यू है। ये यहाँ पे फोक्सिंग सेंटरिंग करते हैं, पेशेंट को बिठा देते हैं टेबल पे। नेक्स्ट है ये फेस लैटरल है, फेस लैटरल व्यू, फेस का ये लैटरल व्यू है, ऐसे करते हैं लैटरल व्यू। यहाँ पे सेंटरिंग करते हैं ये, और इसे पेशेंट को बैठा के या लेटा के भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये, नेक्स्ट है सर्वाइकल, ये सर्वाइकल का पीए व्यू है। ये देखिए यहाँ पे सेंट्रिंग मारते हैं हम, ये सर्वाइकल का पीए व्यू है, सर्वाइकल पीए व्यू है ये, एंड ये सर्वाइकल का लैटरल व्यू है, ये सर्वाइकल लैटरल है, सर्वाइकल स्पाइन। पेशेंट को ऐसे सीधा बिठा देते हैं और सर थोड़ा सा ऊपर करके ये यहाँ पे सेंटिंग करते हैं, C3 C4 के बीच में फोक्सिंग करते हैं। ये देखिए बना इसमें ऐसे, इस सर्वाइकल स्पाइन का एक्सरे आता है। नेक्स्ट है सर्वाइकल का ऑब्लिक व्यू, ये ऑब्लिक व्यू है, ऑब्लिक में ऐसे बैठाते हैं। देखिए ये पेशेंट को ऐसे बैठा देते हैं, ऐसे फोक्सिंग मारते हैं। एंड नेक्स्ट है ऑब्लिक भी बहुत कम होता है, ज़्यादातर एपी लेटरल ही होता है बस, तो ये सर्वाइकल एपी है। पेशेंट को सीधा लिटा देते हैं, ये ट्यूब 10 से 15 डिग्री थोड़ा सा एंगल मारते हैं इसे, और ये कैसेट लगा देते हैं। ये इसमें देखिए सेंटरिंग यहाँ पे करते हैं, ये थायराइड यहाँ पे होती है, यहाँ पे सेंटरिंग मारते हैं। ये देखिए सर्वाइकल का ये एपी व्यू है। नेक्स्ट है ये सर्वाइकल का लैटरल व्यू है टेबल पे, टेबल पे कैसे हम लैटरल करते हैं। ये पेशेंट को ऐसे लिटा देते हैं, ये फोकस इधर से इधर कैसेट लगा देते हैं, ये टेबल पे लैटरल व्यू है। ये एक्सीडेंटल वगैरह पेशेंट हो जैसे बैठ ना पा रहा, तो उसको टेबल पे हम कैसे लेटर करेंगे, ये है। नेक्स्ट है सर्वाइकल ओपन माउथ, ये ओपन माउथ है, मुंह खोलकर इसमें यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये सेंटरिंग होती है। ये सर्वाइकल, फर्स्ट सर्वाइकल जो होती है वो ओपन माउथ में ही दिखती है। नेक्स्ट है थोरैसिक स्पाइन,
ये थोरेसिक स्पाइन है, पेशेंट को ऐसे लेटा देते हैं, ये देखते हैं।